हाथरस हादसे में गंभीर घायलों को शुक्रवार रात में एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया था। घायलों के सर पर चोट आई है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में सिटी स्कैन कराने के लिए हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने 1800 रुपए मांगे थे। हाथरस हादसे में गंभीर घायलों को शुक्रवार रात में एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। घायलों के सिर में चोट थी। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में सीटी स्कैन कराने के लिए हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने 1800 रुपए मांगे थे, उसके बाद ही इलाज शुरू किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और विधायक द्वारा निःशुल्क इलाज कराए जाने की घोषणा करने की बात की थी। इसके बाद भी घायलों का सीटी स्कैन नहीं किया गया। प्रधान ने घायल के स्वजन के खाते में ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद सीटी स्कैन किया गया। फोन आया था वहाँ पर, एक हमारे गांव का ही हमारा पड़ोसी जो लड़का था वहाँ पे, तो उसका फोन आया था कि कोई 1800 रुपए मांग रहा है। तो मैंने कहा ऐसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है, बोला कि किसी से फोन करा दो। अब मेरे फोन वोन नहीं है, तो मैंने खुद अपने मोबाइल से मैंने 2000 रुपए एक मेडिकल शॉप वाले के खाते में डाले। मैंने कहा तू जल्दी से जो कुछ भी करना है उसे करा के चला जी। ये मुझे अव्यवस्था बताइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद अपने मोबाइल से सुबह 4 बजे पैसे डाले उसके खाते में। मेरे निधन हुआ, इसमें दो भाई मेरे और एक बेटा। कितने लोग घायल अभी? अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे घर से ही 13 लोग, 13 में से एक मेरे अब्बू आ चुके हैं घर पे। अच्छा, कहाँ इलाज चल रहा है? एसएन मेडिकल, एसएन जो हॉस्पिटल है इमरजेंसी। अच्छा, तो क्या पूरा उस पे पैसे मांगे? यूँ कह दिए कि काउंटर पे रख दो, मैं किसी विधायक की नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, किसने मांगे पैसे, कितने रुपए? यूँ कह रहे सिटी स्कैन करने के 1800 रुपए चाहिए, तब करके दूंगा मैं। तो आपने किसी को बताया? बताया किसी से, फोन करवाए प्रधान जी से भी फोन करवाया, किसी की नहीं मान रहा हूँ। पैसे देने पड़े, पैसे डलवाए। इलाज चल रहा है मगर अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। सरकारी सरकारी नाम का सरकारी होता है। हाथरस हादसे में सेमरा के 16 लोग घायल हुए थे। इसमें से गंभीर घायल 4 मरीजों को एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में रात 1:30 बजे भर्ती कराया गया था। सेमरा के ग्राम प्रधान संदीप दिवाकर का कहना है कि रात में उनके पास घायल के स्वजन ने फोन किया और बताया कि सीटी स्कैन के लिए 2000 रुपए मांग रहे हैं। स्वजन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सीटी स्कैन नहीं किया गया। प्रधान ने 1600 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद सुबह शनिवार को 4 बजे सीटी स्कैन किया गया। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।